देश में ज्यादातर राज्यों पर कब्जा करने के बाद अब बीजेपी की नजर तमिलनाडु पर है। इसके लिए बीजेपी ने वहां भी जोड़ तोड़ की रणनीति शुरू कर दी है। बीजेपी की इसी चाल में आकर सत्ताधारी एआईएडीएमके के बड़े नेताओं ने अपनी ही पार्टी को झटका दिया है। 15 नेताओं ने एआईएडीएमके का साथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। नई दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में अन्नाद्रमुक के 15 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में पूर्व उद्योग मंत्री नागेंद्रन, पूर्व विधायक अरकट और पार्टी काडर श्रीनिवासन के साथ वेल्लोर के पूर्व मेयर पी कात्यायनी हैं। नागेंद्रन तमिलनाडु के थेवर समुदाय से आते हैं, जो राज्य का शक्तिशाली वोट बैंक है। अन्नाद्रमुक नेताओं का बीजेपी में शामिल होना ई पलानी सामी सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर 22 अगस्त को तमिलनाडु पहुंचे थे और इस दौरान खबरें थीं कि अमित शाह के इस दौरे के बाद डीएमके और एआईडीएमके के कुछ नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, और अब ऐसा ही हुआ। गौरतलब है कि अन्नाद्रमुक के दोनों धड़ों के एक होने के बाद पार्टी के 19 विधायक अपना समर्थन वापस ले चुके हैं। इसके बाद विपक्षी नेता एमके स्टालिन ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव से विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराए जाने की मांग की है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।